दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्दूस नेटवर्क में। तो दोस्तों, आज हाल फिलहाल में चर्चित सब्जेक्ट है वो है मानव तस्करी। ये अपने आप में एक छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये मानव तस्करी। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि मानव तस्करी क्या है और क्या फर्क है स्मगलिंग और मानव तस्करी के बीच। साथ आपको ये भी बताएंगे कि संसद के मानसून सत्र जो कि चालू हो चुका है उसमें मानव तस्करी रोधी विधेयक यानी एंटी ट्रैफिकिंग बिल आ सकता है और क्या नए कानून लेके आ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो तस्करी है ये क्या होती है। तो दोस्तों, तस्करी गलत तरीके से किसी भी सामान का या फिर व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश को भेजना तस्करी कहलाता है। और जो इस क्रिया में शामिल होते हैं यानी ऐसे व्यक्ति जो इसको अंजाम देते हैं वो तस्कर कहलाते हैं। भारत में मानव तस्करी मुख्यतः भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक अपराध है। संहिता कहती है कि किसी भी व्यक्ति को बल के द्वारा डराकर, धोखा देकर, हिंसक तरीके से भर्ती करना तस्करी या फिर बंधक बनाकर रखना तस्करी के अंतर्गत ही आता है, जो कि अपराध की श्रेणी में है। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं देह व्यापार, घरेलू काम और गुलामी इत्यादि के कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे करवाए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर मानव तस्करी पूरी तरह से गैर कानूनी है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी और यहाँ तक कि बच्चों तक की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है इसके अंतर्गत। एक और बात आपको बता दें कि स्मगलिंग आपने सुना होगा, लेकिन कई लोगों को मानव तस्करी और स्मगलिंग एक ही लगता है। तो आपको जानकारी दे दें कि थोड़ा फर्क है और वो फर्क ये है। मानव तस्करी बाल श्रम, शोषण और वेश्यावृत्ति आदि जैसे कार्यों के लिए व्यक्ति का एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना, ये पूरी प्रोसेस मानव तस्करी में होती है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानव तस्करी राष्ट्रीय स्तर पर व एक समुदाय के भीतर भी आसानी से की जा सकती है। वहीं स्मगलिंग पहले से निश्चित पैसों के लिए लोगों को एक देश की सीमा से दूसरे देश के पार भेजा जाता है। इसके अलावा कुछ चीजों जैसे सोना, ड्रग्स को भी किसी भी देश की सीमा से एक दूसरे देश की सीमा में सप्लाई किया जाता है। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है। जहां तक फैलने का सवाल है तो ये अपना शिकार गरीबों को कुछ पैसों का लालच देकर बना लेती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इन्हें ही, बल्कि अनजान सीधे साधे लोगों का फायदा उठाकर भी बनाते हैं ये अपना शिकार। उन्हें ब्लैकमेल कर लेते हैं और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अच्छे से काम लेते हैं। इसके लिए सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये गली, मोहल्लों, गांव, तहसील, जिला, देश, विदेश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हर जगह मौजूद है। केवल जरूरत है समझने की, अपने बुद्धि विवेक से सोचने की, क्योंकि शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है और करते ही रहेंगे, पर फिर भी ये समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। लिए हम सबका जरूरी हो जाता है इससे निपटना, जागरूक रहना और ऐसे लोगों को जो इनमें फंस चुके हैं उन्हें सही सलाह देकर उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद करना। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि 14 नवंबर 2012 से लागू बाल संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है। वहीं भारतीय दंड संहिता धारा 372 और 373 में वेश्यावृत्ति के मतलब से लड़कियों को बेचने और खरीदने के रोकथाम से संबंधित कानून दिए गए हैं। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से चालू हो चुका है और 12 अगस्त 2022 तक चलेगा। प्रारूप विधेयक की माने तो तस्करी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। मानसून सत्र में विशेष रूप से महिलाओं को और बच्चों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए एक विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने, पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान और उनकी देखभाल, सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के साथ ही उनके लिए एक सहायक कानून, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाने और कानूनी कार्यवाही का प्रारंभ करता है अपराधियों की। वहीं दोषी पर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए भी किया जा सकता है। अवैध व्यापार के गंभीर रूपों के अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है। कई मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन संसद में विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये थी पूरी बात मानव तस्करी से रिलेटेड। फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एंड वर्ल्ड के साथ, जागरूक रहिए। और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।